अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेशियो की, है ना, रेशियो का अगर हम कहें तो रेशियो के अंदर होता क्या है, रेशियो मीन्स कंपेरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वान्टिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ देर आर टू पर्सन, वन इज ए एंड वन इज बी। ओके, अब मैं कहूँ कि जो ए की एज बी से डबल है, क्या कह रही हूँ मैं, ए की एज बी से डबल है, तो मैं क्या कहूंगी कि मुझे नहीं पता कि ए की एज कितनी है बट दिस इज डबल, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि यस दिस इज टू दिस इज वन। तो हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में कैसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई इसकी एज इससे डबल। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए की एज कितनी है, डबल है तो टू हो सकती है, दिस इज वन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस इज फोर, दिस इज टू, दिस इज 20, दिस इज 10, है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट मीन्स व्हाट, कि जब हमारे पास में रिलेटिव वैल्यू, अब जैसे हम दोनों में क्या कह रहे हैं, एज मीन्स सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को जब हमने कंपेयर करना है, इन दैट केस वी यूज रेशियो। ओके, और अगर हमारे पास में वैल्यू रेशियो में गिवन है, देन टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू वी विल मल्टीप्लाई इट बाई एनी कॉन्स्टेंट। ओके, दैट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज 2k एंड दिस इज 1k। अब के की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। सो अगर मेरे पास में टोटल गिवन, अगर मैं कहती हूँ कि भाई ए और बी दोनों की एज मिला के 30 इयर्स है, अब बताओ कि ए और बी की एज कितनी होगी, तो हमने कहा कि भाई डबल है और दोनों के मिला के कितनी एज है, 30 इयर्स। सो उस केस के अंदर हमने क्या देखना है कि भाई इसका दोनों का जो टोटल है वो कितना बन रहा है, 2k 3k, दैट मीन्स 3k, और यू कैन से दिस इज 3 यूनिट्स। सो 3 यूनिट्स 3k इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाता है हमारे पास में, k की वैल्यू आ जाती है। और अगर हमारे पास k की वैल्यू है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस k के साथ में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 दैट मीन्स की 20, और ये कितना हो गया आपके पास 10। ओके, सेम वे अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का आ जाता है कि हाँ जी दोनों की जो एज है वो क्या है, 2:1 में है, 2:1 में है, और ए की एज जो ए है, ए की एज 40 इयर्स है, तो बताओ बी की एज कितनी है। अब मेरे पास वैल्यू किस में गिवन है, रेशियो में गिवन है, वैल्यू रेशियो में गिवन है। अब इस केस में मैंने क्या कहा, ये कितनी है, 20, दैट मीन्स कि यहां से मुझे क्या पता चला कि ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। मीन्स कि के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, या मेरी जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। और हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 यूनिट है वो किसके इक्वल है हमारे पास में, 20 के, तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी, 10 के, और यहाँ पे क्या है, 1, सो दिस विल बी 10। नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे के साथ इजी लगता है, मैं के अगर यहाँ पे लिख लूं तो मुझे इजी लग रहा है, तो आप के साथ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने के नहीं लिखा, ठीक है, सीधा मैंने क्या लिखा, 2 यूनिट्स, आपको उससे इजी लगता है, देन आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई होप थोड़ा सा बेसिक कुछ क्लियर हुआ है कि हाँ रेशियो किस तरह से वर्क करता है। तो अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है रेशियो। यस, व्हेन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड देन नो टू रिप्रेजेंट दिस कंपैरिजन रेशियो आर यूज। क्या यूज करते हैं हम, रेशियो का यूज करते हैं। ओके, और रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स है, जैसे अभी हमने कहा डबल है, 3/2 है, 4/5 है, कुछ भी वैल्यू है, तो हम क्या कह रहे हैं उसको, यस डबल ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स द अदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। बट यहाँ पे ध्यान हमने दोनों केसेस में क्या रखना है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए। ओके, द रेशियो ऑफ कैन एक्स और वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स रेशियो वाई। हम क्या लिख रहे हैं, बीच में जो दो डॉट यहाँ पे है हमारे पास में, इसको हम बोलते बेटा रेशियो, दिस इज रेशियो। ओके, और इसको और कैसे लिख सकते हो आप, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डन। हाँ जी, आप उसके बाद में कह रहे हैं टाइप ऑफ रेशियोज, टाइप ऑफ रेशियोज होते हैं आपके पास में, सबसे पहले आ जाता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वेयर इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो। इफ वी हैव ए रेशियो 3:4 तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगी आपके पास, 9:16। सेम वे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, सब डुप्लीकेट रेशियो
दैट मीन्स कि अगर आपके पास में एक रेशियो है, इन दैट केस द स्क्वायर रूट ऑफ दैट रेशियो इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो. क्या कहेंगे उसको? सब डुप्लीकेट रेशियो. डन. अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई. सेम वे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होती है? इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर क्यूब्स इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो. इफ यू हैव ए रेशियो 2:3 इन दैट केस ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा उसका? यस, ट्रिप्लीकेट. 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यू विल डू द क्यूब. सो 2³ = 8, 3³ = 27. सेम वे सब ट्रिप्लीकेट. अब जब सब वर्ड यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं? रूट में ले आते हैं उसको, रूट में ले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर क्यूब रूट. क्यूब रूट इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. सो अगर मेरे पास में वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे है 1, 125, तो अगर हम इसका क्यूब रूट करते हैं देन वी विल गेट 1:5. इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो क्या है? इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन देयर अनटेंडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस आर इंटरचेंज्ड. देखो अब मेरे पास में ये जो वैल्यू है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अनटेंडेंट एंड दिस इज कॉन्सिक्वेंट. ओके, क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. लाइक दिस, दिस इज इनवर्स रेशियो. ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो यहाँ पे क्या है आपके पास में? अगर हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड रेशियो की, वी हैव मोर देन 2 रेशियोस. अब यहाँ पे हमारे पास में रेशियो क्या है? 2:5, 6:7 एंड 9:13. नाउ द कंपाउंड रेशियो ऑफ दीज 3 रेशियोज विल बी इक्वल टू व्हाट? अनएक्टेंडेंट को अनएक्टेंडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 6 × 9, 108. 5 × 7 × 13, 4 55. अब यहाँ पे आपके पास में ऐसे डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बनते, बट स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. अब जैसे यहाँ पे ये बताओ, जल्दी से आंसर करेंगे अगर समझ आ गया तो. कह रहे थे रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी इज 4:9. दिस इज 9. दो नंबर्स की रेशियो आपके पास में गिवन है, दिस इज 4:9. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज 16:81. सब डुप्लीकेट रेशियो इज 2:3. ट्रिप्लीकेट रेशियो इज 2:3. देन विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से आंसर करेंगे. शाबाश. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आकाश, मनप्रीत, श्रेया, उज्ज्वल, हाँ जी बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे. कौन कौन सा करेक्ट है? रेशियो आपके पास गिवन है ए और बी की, क्या रेशियो है? दिस इज 4:9. अब उसने क्या कहा? डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है? हरमनदीप सिंह कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. यस, बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. डुप्लीकेट रेशियो दैट मींस कि उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 16:81. वेरी गुड. सेकंड है सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट दैट मींस स्क्वायर रूट करेंगे. क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट करेंगे. स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो क्या हो गया आपके पास में? 2:3. ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा? क्यूब करेंगे. क्या करेंगे हम इसका? क्यूब करेंगे. तो सब ट्रिप्लीकेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सब ट्रिप्लीकेट क्या बनेगा आपके पास में?